делай! सामाजिक परिवेश का भी उसमें कहीं न कहीं प्रतिलक्षित रहता है कि रावण उस अमर्यादित अपने घटना के चलते रावण का जन्म किया और उनके जीवन को अंत किया प्रभु से राम। हम आज रावण मिटा पाए न हम राम राज ना पाए, वही जो है क्योंकि हर चीज का विध्वंसकारी स्वरूप हम पेश कर रहे हैं। अभी जैसे आदरणीय रामेश्वर बाबू ने कहा कि हर घर में रावण तो कहां से राम था, तो ये जो स्थिति बनी है मैं समझता हूँ यही चुनौती है आज के देश की। सरकार भी रावण रूपी ही कार्य कर रहा है। जिस प्रांगण में हम बैठे हैं 20 महीना से यहाँ के मजदूरों का वेतन नहीं मिला, यहाँ फैक्ट्री बंद हो रही, उसी का खुशहाली उसी का ये परिवार आप लाखों लाख देख रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेवारी थी? सरकार की। तो समाज को चलाना, समाज के को बनाना सरकार का जैसे निका होता है, जैसे नीति होती है, वैसे ही राम और रावण पैदा हो आज भाग गई है। इसलिए ये आज की परिस्थिति के से मुक्ति पाने का एक संकल्पित लगभग 70 साल बाद ऐसा समय आ रहा है जब एचईसी कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, एक रुपया नहीं मिला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो करा रहे हैं क्योंकि इसका भोजन पे लाले पड़े उसका क्या बना। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की कोई गलत नहीं उठती है? राज्य सरकार का है, अभी आपने देखा कि ये यहाँ से पैसा जितना यहाँ स्मार्ट सिटी बनती है, फैक्ट्री के कैंपस में स्मार्ट सिटी बनता है क्या? कभी सुना था आपने? केंद्र सरकार की योजना है, यहाँ का पैसा जितना जमीन जितना इतना पैसा हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के पास जाता है, इनको एक रुपया नहीं मिल रहा। ये अद्भुत घटना हुआ। हम भी केंद्र सरकार में रहे, दो बार एचईसी को 3 बार हम रिवाइज किया है, ये भी अभी अद्भुत घटना है। आदिवासी तो भगवान राम के साथ रहे, बानर का मतलब क्या? बंद कतर, बंद कतर वो बंदर नहीं थे, हनुमान जी बंदर नहीं थे, बन के नर है ना, बन में रहने वाले नर थे। तो हम लोग उसी में है, बन के बन में रहने थे, अब शहरों में आ गए हैं है ना। तो बन का संदेश सही है और बुराई के खिलाफ लड़े, हम राम का साथ नहीं दिए, हम राम जी के साथ बुराई के खिलाफ लड़े। तो आदिवासी बुराई के खिलाफ लड़ने वाले कम्युनिटी हैं और अभी भी कायम है।